बिल्कुल ओ बीएलएस एक्सपीडिशन जिमनी देखो कितनी गहराई है, आराम से जी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। टाइम तो भाई दोपहर के 1 बज रहे हैं, तो आज ना लेट हो गए, बारिश हो रही सुबह से। तो अपना जो आज करने का प्लान है ना, किस जगह आया हूँ पहले तो मैं वो दिखाता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा हिंट देता हूँ, पता चल जाएगा। तो आप लोग पहले तो सामने नाम चेक करो, ये भैया ने कभी दिखाया नहीं है अपनी वीडियोस में, ठीक है? तो यहाँ से पता लग गया होगा कि मैं आया कहाँ पे हूँ। तो भैया को अभी लगे हुए जिमनी को। हाँ जी भैया, ये सामने मैं ही दिखाऊंगा। नहीं पहुंचे तो मैं कल का हूँ, लेकिन मैं को दिखा आज रहा हूँ जहाँ हम लोग आज रहे हैं। तो जिमनी तो भैया की काती लाना सामने ही है। बहुत सारे अपग्रेड इसमें ना हो चुके हैं देखो। तो अभी आज का अपना प्लान है, हम जा कौन सी जगह पे रहे हैं भैया? हम जा रहे हैं नटनी का बार, सरिस्का की तरफ। इस साइड पे नटनी, नटनी का बार, नटनी का बार, ओके इस साइड पे। ये सारा अलवर है, मतलब मैं कल का पहुंचा हुआ था, यहाँ पे आया था, मैंने होटल ले लिया, कल आके ना स्टे कर ली थी मैंने। कल ना बारिश हो रही थी भाई, इतनी भयंकर बारिश हो रही थी, आज भी सुबह की हो रही थी, धूप निकली थी। अलवर भाई, अगर मैं आप लोगों को अलवर के बारे में बताऊँ ना, बताना क्या, घूम के दिखाता हूँ चलो। प्राणो अपनी ये खड़ी, इसमें छोटी मोटी मॉडिफिकेशन की हैं देखो, आगे से आज तक किसी ने डस्टर में ये कांड नहीं किया होगा जो हमने कर दिया है। तो थोड़ी सी लिफ्ट वगैरह भी कर ली है जितनी हो सकी है, क्योंकि नहीं तो सस्पेंशन ख़राब होने लग जाती है। तो टाइम ना लगाते हो ना, पहले चलते हैं, नहीं फिर बारिश आ गई तो दिक्कत हो जाएगी अपने को। तो भैया अभी हम लोग निकल रहे हैं लोकेशन के लिए, तो निकलते टाइम ही मतलब बारिश इतनी स्टार्ट हो गई है ना। जिमनी भैया की क्या मस्त लगती है ना, देखो सामने फुल मोड कर दिया जिमनी में भैया ने, अभी पूरी तेज़ बारिश हो गई, आधा घंटा हो गया बारिश होते हुए ना, पूरी हो रही है। तो जिस जगह जाएंगे ना पानी भरपूर मिलेगा वहां पे। दोस्तों पूरा मतलब पानी मिलने वाला है इस बार जिस जगह हम लोग जाएंगे, मुझे नहीं पता, मैं तो ओलवर में आया पहली बार। तो ऋषभ भैया लेके चल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पहले सारे ट्रैक इधर के कर रखे हैं, तो मतलब भैया लेके चल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो फुल मज़ा आने वाला अपने को, क्योंकि आज बारिश और मौसम ऊपर से माहौल वैसा ही बनेगा। बारिश का मौसम तो है, माहौल थोड़ी देर में बनेगा, वो आप लोगों को अभी आगे दिखेगा। पूरी वीडियो देखना, मज़ा आएगा आप लोगों को वीडियो देख के। तो डस्टर की ऑफ रोड भी आज आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी ना, सब कुछ होगा यहाँ पे। ओ भाई ना दोस्तों, अपनी एक सीरीज चल रही है अपना सच पास टू स्पीति, जितने भी उसमें हाई पासिस हैं जहाँ जितने भी एडवेंचर रोड है ना, सारे उसमें मैंने कवर किए हैं। अगर आप लोगों ने वो देखे नहीं है ना तो देखो, क्योंकि ये जो ऑफ रोड की सीरीज होगी, जो भी मतलब मैं अलवर में एक्सप्लोर करूंगा ना, ये मैं अभी बीच में डाल दूंगा, फिर वो सीरीज कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगे वीडियोज देखने में।
और बाकी अगर चैनल आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, सारी वीडियोस अच्छी लग रही हो, तो चैनल को लाइक शेयर और यार सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन ऑन करना ना भूलना। तो बाकी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं लोकेशन में। तो भाई यहां से शुरू हो गए अलवर के पहाड़, अभी चढ़ेंगे चढ़ाई, देखते हैं कहाँ पर जाते हैं। तो भाई यहाँ भी ना पूरा खतरनाक माहौल हो रखा है रोड पे, मतलब जो छोटी गाड़ी है ना रोड बीच बीच में टूटा हुआ है, तो इतना बुरा हाल है ना रास्ते में। बारिश तो हटने का नाम नहीं ले रही, तो इसलिए भाई अगस्त के महीने में ना सोच समझ के ट्रैवल किया करो, क्योंकि जब बारिश होती है ना तो नॉन स्टॉप होती है, कहीं भी हो जाए। अब सुबह की यहाँ पर बारिश हो रही है, हम लोग लेट हो गए बारिश के चक्कर में निकलने में, फिर बारिश में निकले हैं। भाई लोग वो ऊपर माहौल चेक करो, क्या ही बात है यार, वहाँ टॉप पे अगर कैंपिंग हो जाए ना, अगर रास्ता जाता हो तो मज़ा आ जाए। वो देखो क्या फोग ही फोग हो रखी है ऊपर, मतलब बादल नीचे आए हुए हैं। ये है अलवर भाई, अलवर में क्या नहीं है यार, सब कुछ है अलवर में। देखो पूरा उसी तरफ जा रहे हैं हम लोग, देखो क्या ही बात है यार, क्या ही बात है। बहुत ही कम लोग हैं जो कि अलवर एक्सप्लोर करते हैं, एक तो लोकल तो चलो करते ही करते हैं, बाहर से बहुत ही कम लोग हैं जो कि अलवर एक्सप्लोर करने आते हैं। अलवर में आप लोगों को बता दूंगी, राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान शायद इसकी डिस्ट्रिक्ट है, मैं कंफर्म करके आप लोगों को ना बता दूंगा। तो लेकिन बहुत सुंदर जगह है यार, बहुत सुंदर जगह है। बस यहाँ ना मतलब थोड़ा सा रिस्क भी है इस टाइम पे, क्योंकि बारिश होने के कारण ना 3 दिन से बारिश हो रही है, तो जितने आसपास के डैम है ना सब मतलब 6-6 फुट रह गए हैं बनने को, 5 फुट को 3 फुट रह गए हैं, बाकी सारे फुल हुए पड़े हैं, तो उसका भी थोड़ा सा है कि खतरा यहाँ फंस ना जाए। बाकी तो सब अभी ठीक ही चल रहा है, अभी फ़िलहाल तो ऐसा लग रहा है जैसे ना हिमाचल में घूम रहे हैं। हिमाचल हो गया, कश्मीर हो गया, उनके रास्ते भी ऐसे ही होते हैं, जब बारिश हो जाती है तो मस्त बन जाते हैं वो, मस्त है यार इस टाइम पे। ओ भाई पूरे टूट चुका आगे वो जिमनी, भैया तो ले गए वहां तक। भाई लाइट वेट होने का क्या बेनिफिट होता है ना, सामने देख लो इतना कीचड़ और गाड़ी आराम से निकल रही है, देखो देख रहे हो बिल्कुल आराम से, सारा पूरा बांध टूट गया एक साइड से, मतलब पूरा रोड आगे जाता है घूम के, सारा कट चुका है इस टाइम पे यहाँ से। तो भाई ये आ रही है अपनी डस्टर, तो भैया लेके आ रहे हैं। क्या बात है, इजीली भाई, कुछ भी मुश्किल नहीं है। भाई इजीली आ गई बिल्कुल, देख रहे हो 4-व्हील ड्राइव कैसे काम कर रहा है, प्रॉपर काम कर रहा है, देखो ये देखो। तो भाई गाड़ी तो यहाँ पे खड़ी कर दी है, नज़ारा दिखाता हूँ आप लोगों को एक साइड का, पूरा बांध मतलब ये देखो हाल यहाँ पे क्या ऊपर है, वो सारी दीवार एक साइड की गिरी हुई है, वो देखो। यही मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले आप लोगों को, पानी बहुत आ गया अलवर में भी, मतलब डैम टूटे हैं, नदियाँ नदियाँ पूरी उफान में है अभी। अलवर थोड़ा सा बचा है, जो जैसलमेर आसपास के एरिया है, जोधपुर हर तरफ थोड़ा सा अलर्ट है। तो बाकी चलो आगे ना वाटर क्रॉसिंग करते हैं, किसके साथ, थोड़ा बहुत जो रास्ते में आएगा वो भी एक्सप्लोर करते निकलेंगे। अभी भाई बुलेट देखो इधर लेके आए हैं, बस ही निकलेंगे अभी 4-व्हील ड्राइव में। गाड़ी आप लोग को दिखाता हूँ, देखना अभी इसका देखना मूवमेंट, देखना टायर की क्या मूवमेंट करेगी, देखना आराम से निकलेगी ना।
देखा बिल्कुल प्यार से इसीलिए मतलब क्रूज करती है अपनी स्पीड। किसी भाई ने ब्लेयर उतार दी नीचे, हो स्पीड में होगा। पूरा ही सीन कर दिया नीचे, देख रहे हो। अब ये निकलेगी मुश्किल से ही। नदी आई है, एक नदी क्रॉस करनी है, देखते हैं कितना पानी है इसमें। तो भाई लोग पहले अपना प्लान था उस साइड जाने का, देखो सामने पानी ना बहुत तेज है, वो आगे जाके लहर बन गई ना, वहां पता नहीं चल रहा कि कितना डाउन है। आ दूंगा तो भाई लोग अभी तो थोड़ी सी जैसे कि ना ऑफ रोड की है, जो गाड़ी का फोर व्हील ड्राइव सिस्टम है इतना प्यारा काम करता है ना, मतलब जो चाहिए उतना कर रहा है। मतलब कि जो कैप्टिवा थी ना उसका एक सीन था कि आपने देखा होगा जब भी मैं ऑफ रोड करता था ना बहुत ही ओवरेज देनी पड़ती थी, इस गाड़ी के साथ ये नहीं है। मतलब ओवरेज एक तो वो ऑटोमेटिक थी भाई, मैनुअल मज़ा आ गया, एकदम प्यार से क्रूज करती है गाड़ी एकदम प्यार से। बाकी तो अभी ज़्यादा स्लश मिला नहीं है, अभी तो मतलब ठीक ठाक था। अभी ज़्यादा में जाने की कोशिश कर रहे हैं, लोकेशन ढूंढ रहे हैं कोई अच्छी सी मिले, क्योंकि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं यहाँ पे अभी, ये चक्कर है। ये देखो नदियाँ कैसे उफान में हैं, देख रहे हो, ये देखो ऊपर, यहाँ पानी कहते हैं बहुत ही कम होता है, तो पानी देखो इस टाइम पे कितना है, देख रहे हो फुल पानी है यहाँ पे। भाई कहाँ कहाँ रुकेंगे यार, इतने खूबसूरत नज़ारे बार बार आ, बार 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 आ रहे हैं। एक नंबर सीन है ये, देखो इधर भी चेक करो, चाहे इधर चेक करो चाहे इधर चेक करो, ये तो भाई है नहीं यहाँ पे, इधर चेक करो। हाँ भाई बात सही है। तो ये भी आ गया अपने क्या HHM रोड ट्रिपर, HHM रोड ट्रिपर भाई आ गए हैं भाई, फॉलो करो जाके भाई को भी। ये दोनों गाड़ी अपने साथ विंटर स्थिति थी, आप लोगों ने देखा होगा विंटर स्पीति हो गया अपनी प्राचर की सीरीज में भी, ये सारे भाई एक साथ ही होते हैं। ओ भाई ये भाई कभी मतलब ये नहीं है कि चेहरा मुरझा जाएगा, हंसते रहते हैं ना टाइम, खुशी रहती है चेहरे पे। सेहत का राज यही है। हाँ चेहरे, हाँ सेहत देखो भाई। देखो जैसे कश्मीर में अपना होते हैं ना, वो देखो थोड़ी फोग हो रखी है उस कारण ना दिख नहीं रहा। काफी मतलब एडवेंचर है अलवर में, मानने वाली बात है ये। ना मैं कहने को छोटा सा अलवर, लेकिन जो अलवर के अंदर है ना, वो जो बंदा आएगा उसी को पता चलेगा उसके अंदर है क्या। टाइगर रिजर्व एरिया भी है ये, यहाँ पे टाइगर बहुत होते हैं। तो वही नदी का बहाव देखो क्या ही तेज है। फिर लोग कहते हैं कि हम लोग डूब गए। तो लगी साइड पे, छोटी सी वाटर क्रॉसिंग है। देखो ओ भाई साहब क्या क्या बात है जी, नज़ारे हैं, कहते हैं क्या सीन है। गाड़ी रुक गई आगे जिमनी ना, देखें आगे। भाई साहब जिमनी तो निकल गई,
भाई घुटनों तक पानी है, हमारी हेल्प करिए पानी बचाने के लिए। हाँ मतलब भाई की उस साइड कच्चा है, मतलब सेंटर है, इसमें से निकालनी पड़ेगी आराम से। फ्लो भी ठीक है, नॉर्मल है, तेज नहीं है फ्लो, तेज नहीं है फ्लो। कोने पे जाओगे ना, कौन पानी इसी साइड पे? हाँ, ये सामने कौन है हमारे पास? अच्छा। है भाई अभी इस टाइम टू व्हील ड्राइव और शिफ्ट चिमनी वापस आई है, क्योंकि भैया का फोन ना लाटी भाई के पास ले गया था, क्योंकि उस साइड से शूट करेंगे, उस साइड से थोड़ा क्लियर विजन में आएगा, इस साइड से भी करेंगे, उस साइड से भी करेंगे, दोनों साइड से। चिमनी देखो कितनी गहराई है, आराम से निकल जाएगी, निकालेंगे तो निकल गई जिमनी तो, वो तो फिर लाइट वेट का बेनिफिट यही है। बिल्कुल हाँ, स्विफ्ट जा रही है, कम धीरे निकालना, फिल्टर में पानी नहीं जाएगा, देखते हैं इसका क्या बनता है। बिल्कुल ये BRH एक्सपीडिशन। जिमनी निकाल रहे हैं भैया, तो जिमनी टिक गई वहां पे। रुक जाओ, नीचे टिक गई है पीछे से, यहां से पहले ना ऊपर से गाड़ी को आगे। काफी स्टक हो गई है तो टायर पूरा उधर वाला भी ज्यादा बैठा भैया ने पूरा जोर लगा दिया। तो भी डस्टर लेके आने, डस्टर से उसको टोक सकते हैं, कोई कैप्टिव होते तो भाई वो ना होता। पूरी काटता